जिंदगी में और करना क्या है, कुछ नहीं, यहां मिलने वाला कुछ है नहीं, दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं। खुशी से जिंदगी जी लो, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम से रह लो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको प्रेम की दरिया में डुबा दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबकी गम खा लो, सह लो, अपने संगठन को टूटने मत दो, परिवार की एकता और प्रेम को बना रहने दो। बस संसार में इसी में सुख है। राग द्वेष मत फैलाओ, ईर्ष्या भी मत करो किसी से, कुछ भी मिलने वाला नहीं। दिल के अंदर यदि ईर्ष्या है, राग द्वेष है, शांति नहीं मिलेगी। ईर्षु घृणी न संतुष्ट, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाव सिद्धोपि च कर्त्वापि न निबद्धते। ईर्ष्या की आग में रात दिन जलने वाले लोग कभी सुख चैन नहीं पाते। जो दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न होता है और दूसरों को दुखी देख करके जिसका मन दुखी हो जाता है, पद्म पुराण का ऋषि कहता है वो साक्षात धरती का हरि भगवान होता है, वो भगवत स्वरूप होता है और भगवान कहीं अलग नहीं होता है। जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख में द्रवित होता है, ये भगवान का गुण होता है, यही भगवत लक्षण होता है। देवदत्त ने एक हंस को बाण मारा, हंस घायल होकर के गिरा। गौतम ने उसको उठाया, गोद में लेकर के पानी पिलाया, सहला रहे। देवदत्त आता है और कहता, हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। गौतम कहते, हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ, राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहानी सुनी, राजा ने जवाब दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस गौतम का है। और वही गौतम जो हंस के दुख को सह नहीं सके, बचाने के लिए द्रवित हो गए, वही एक दिन भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, भगवान बुद्ध कहे जाते हैं। वे भी किसी माता पिता की संतान थे, वे भी मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। राजमहलों में उनका जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ो बकवास, लेकिन मनुष्य का चेहरा है उनका और उनको भगवान बुद्ध माना गया। याद रखना, यदि आपके अंदर दया है, करुणा है, रहम है, तो ये लक्षण भगवान का है, फिर आप स्वयं भगवान के रूप है, भगवान के रूप है। ईर्ष्या द्वेष से बचो, जलन मत करना किसी से। कई बार लोग किसी का बढ़ता हुआ नाम देख करके जलने लग जाते हैं कि इसके नाम को बिगाड़ना है किसी तरह से। और याद रखना, आपका नाम बढ़ने लग जाए, धन धाम बढ़ने लग जाए, दौलत बढ़ने लग जाए, शक्ति बढ़ने लग जाए, तो ज्यादा विनम्र हो जाना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, किसी को सताने में शक्ति मत खर्च कर देना, अन्यथा शक्तियां पुनः एक कुदरत वापस लेना शुरू कर देती है। शक्तियां उसके पास में परमानेंट रहती हैं जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है, शक्तियों का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने में करता है, उसकी शक्तियां निरंतर बढ़ती चली जाती है। जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरों को सताने में शक्ति खर्च करता है, वो एक दिन शक्तिहीन हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। अपन तेज समारो आपे, गाइए, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते खापे, तीनहु लोक हाँक देखापे, अपन तेज। हनुमान चालीसा की चौपाई है, दोहराइए
तीन बार दोहराइए, सब महिलाएं भी गाएं। तीनों लोक हाकते कांपे। बहुत मस्त चौपाई है। आप अपना तेज, आप पास कौन कौन तेज है वो तेज तुम संभाल नहीं पाते, तेजहीन हो जाते। तेजस्वी भी बनो, तपस्वी बनो, ओजस्वी भी बनो, यशस्वी बनो, कीर्तिमान बनो। आपके पास वाणी का तेज है, दृष्टि का तेज है, आपके पास में बुद्धि का तेज है, आपके पास में चरित्र का तेज है, आपके पास में सुंदर स्वभाव का तेज है। इस तेज को संभालो, कहीं इस माया मोह के संसार में आपका स्वभाव बिगड़ न जाए, वाणी बिगड़ न जाए, चरित्र बिगड़ न जाए, कहीं आचरण खो न जाए, और कहीं आपकी तेजस्विता छीण ना हो जाए। अपन तेज संभारो। आप हनुमान चालीसा कहती है, अपनी वाणी के तेज को भी संभालिए। आपकी वाणी ये गाली दे दे करके वाणी तेजहीन हो जाती है, इसलिए गालियां मत बको, कोई फायदा नहीं। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को भी गाली देती है और पति से कहती हैं, ये मर गया, नाश काटा और गेहूं काटा और भूसा उठाया, फालतू बात बोलती। कितने पुरुष भी इतने क्रोधी हैं, अपनी पत्नी को बहुत गाली देते हैं। तो याद रखना, गाली मत दो। जैसी पत्नी है वही तुम्हारे भाग्य में थी, अब बस स्वीकार करो। जो भी मिली है उल्टा पलटा करती है। कितने लोग बहुत पुण्य कमा चुके हैं, उनको बड़ी बुद्धिमान पत्नी मिली है, समझदार, इशारे से काम करती है। और जिनके पुण्य थोड़ा कमजोर है उनको थोड़ा बुद्धू भी मिली है। चाय मांगते हैं तो गिलास में ला कर देती है, और पानी मांगते हैं तो कप में ला कर देती है। पति सोचता है इतनी भी बुद्धि नहीं, तो बताती है पीना तो है और क्या करना है, कप से पी लो क्या फर्क है। बुद्धिमान पति मिल जाए तो समझो कोई जन्म का पुण्य था। बुद्धिमान पत्नी मिल जाए ये कोई पुण्य से ही मिली है। बुद्धिमान बेटा मिल जाए माँ बाप का पुण्य है। बुद्धिमान शिष्य मिल जाए, विवेकवान शिष्य, वैराग्यवान शिष्य, गुरु का कोई जन्म का पुण्य है। और सुयोग्य गुरु मिल जाए, वैराग्यवान गुरु, तेजस्वी गुरु, ओजस्वी गुरु, ज्ञानी गुरु, ध्यानी गुरु, सदाचारी गुरु, जितेंद्री गुरु, ऐसा गुरु जो कल्याण का काम कर दे शुरू, ऐसा मिल जाए गुरु, तो समझ लो पूर्व जन्म का बहुत ढेर पुण्य था, इसलिए ऐसा गुरु मिला। इसलिए खूब पुण्य कमाओ। तुम गाय की सेवा करते हो, पंछियों की रक्षा करते हो, जीवों पर दया करते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, भूखे को भोजन खिलाते हो, अतिथि का सत्कार करते हो, संत का आदर करते हो, सत्संग समागम कराते हो, ये सब करने से बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है। दान करने से भी पुण्य होता है। किसी के दुख को दूर करते हो तो पुण्य इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास में एक माता जी आई पिछले गांव में, बोली मेरी चैन खो गई, गले की चैन। तो मैंने ऐसा फूल उठाया, उनके सिर पे लगाया। हमने कहा माताजी दुखी मत होना। तो वे अपना बटुआ खोलने लगे और बटुआ से 100 रुपये निकाल कर दान दे। हमने कहा माताजी चैन खो गई और फिर भी 100 रुपये दान दे रहे हो,
बोले ये 100 रुपये के दान से इसी पुण्य से दूसरी चेन मिल जाएगी। तो हमने कहा आप ज्यादा दुखी नहीं है? बोले आपके ज्ञान से दुख नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आशीर्वाद है, मिल जाएगी चैन, मिल जाएगी। याद रखना, माताओं बहनों से नम्र निवेदन करूंगा, जब सत्संग में आया करो, सोने चांदी के गहने घर में सुरक्षित रख करके तब आया करो। सत्संग में आओ, गुरु जी की माला पहन लो, वहां दुकान पर, साहित्य की दुकान पर गुरु की लाकेट वाली माला बिक रही है, खरीद लो 10-10 माला, पहन लो एक एक माला, और कुछ घर वालों को पहनाओ जा करके, वही शोभा देता है। और दूसरा निवेदन है, जब गुरु जी को प्रणाम करने आओ, आशीर्वाद लेने आओ, तो लाइन लंबी लगा लो, धक्का मुक्का मत करो, एक के पीछे एक, बारी 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 प्रणाम करते जाओ, गुरु जी का आशीर्वाद लेते जाओ, फट से इधर सामने निकलते जाओ, साइड से आओ तो सामने निकल जाओ, एक दूसरे को छुओ मत, धक्का मत मारो। गुरु जी जाएंगे कहाँ? चारों तरफ से आपके बीच में घिरे हैं गुरुदेव, जा कहाँ सकते? 10 मिनट ज्यादा लगेगा, फर्क क्या? धक्का नहीं मारना। लेकिन माताओं बहनों में एक विशेषता होती है, ये धक्का मारती भी है और धक्का खाती भी है, तब इनको अच्छा लगता है कि 2-4 धक्का लगे, बड़ा अच्छा लगा। नहीं, धक्का मारो भी मत, धक्का खाओ भी मत, शांति से, नियम से आना चाहिए। गुरुदेव के निकट से दर्शन कर लो, चुपचाप उतर जाओ, हमारे ऊपर फूल उल मत डालो, हाँ ऊपर नहीं डालो, वो तो पत्थर की मूर्ति होती है उसके ऊपर डाला जाता है, ऐसे तो मेरे ऊपर डालोगे कोई दूध ला के डाल दे, कोई पानी चढ़ा दे, कोई बेलपत्र चढ़ा दे, कोई चावल डाल दे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु जी के सामने टेबल लगा, उस पर रख दीजिए, बस हम ले लेंगे वहां से, सब मिल जाएगा गुरु जी को। और गुरु जी के चरण भी मत छू, नहीं नहीं चरण नहीं छूना है, तो फिर गुरु जी को हाथ जोड़कर बोलना है साहेब बंदगी, निकल जाना है। तो क्या छूना है? गुरु जी के आचरण छू लेना है, आचरण, सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और सुंदर वाणी और सुंदर ज्ञान, ये सब गुरु जी का छू लो, और छू लो नहीं इसको ले लो, और ले लो नहीं जीवन में उतार लो, और उतार लो बिल्कुल गुरु के जैसे तुम भी बन जाओ। जिससे गुरु जी तुम्हारे कभी ना बेड़ी पीते, ना दारू पीते, ना पान खाते, ना पुड़िया खाते, ना तमाकू खाते, तुम भी सब छोड़ दिया, बस त्याग दिया, अरे मेरे गुरुदेव नहीं खाते मैं कैसे खाऊंगा। आचरण ले लो गुरु जी का, आचरण और गुरु जी का ज्ञान सीख लो, दूसरों को ज्ञान भी सुनाओ, तेजस्वी बनो, आपकी वाणी भी ओजस्वी होनी चाहिए। आप राजनीति करते हो, ओजस्वी वक्ता बनो। ये म्याऊं म्याऊं बोलना जो है, किशपोन में एक गली बनी थी, ये इससे न वोट मिलेगी न सड़क बनने वाली है। अरे संसद भवन में भी दहाड़ना पड़ता है, वहां भी कंपटीशन है, हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है। आपका सांसद विधायक अगर दमखम वाला नहीं है तो आपके क्षेत्र में बजट बहुत कम आएगा, वहां भी बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ता, समझाना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री भी थोड़ा समझता है कि इसको देना चाहिए, नहीं तो यू मचाएगा वो खुराफात फालतू, बजट दे देगा। म्याऊं म्याऊं करने की जरूरत नहीं, जनता के बीच में भी ओजस्वी भाषण करो, 2-4 श्लोक भी बोलो भाषण में, 2-4 दोहे बोलो,
और एक दो गीत भी गा दो, ऐसा लच्छेदार भाषण, ओजस्वी वक्ता बना। राजनीति भी करो, पूरा मन से करो, राजनीति खराब नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। राजनीति में बुद्धिमान, महान, गुणवान, वफादार, देशभक्त पहुंचने चाहिए, तब हमारे देश की सड़कें फोर लेन से काम नहीं चलने वाला है, अब तो 16 लेन की रोड बननी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो चुकी है, 16 लेन की रोड हो तब स्पीड गाड़ी पकड़े। हर शहर में ओवर ब्रिज, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, जिसको शहर में जरूरत नहीं ऊपर ऊपर निकल जाए, वहां फालतू लाल बत्ती पीली बत्ती खड़े हो, पुलिस वाले परेशान होते हैं, रुको 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 रुको, ये रोड जाओ, उधर जाओ, इधर रुको, क्या फालतू नाटक है। और राजनीति के अंदर भी त्याग रखो, आपका जीवन तेजस्वी तभी होगा जब आपके अंदर त्याग होगा, लोभ लालच नहीं है, क्या करोगे इतना पैसा, कोई जरूरत नहीं है, और केवल पैसे से चुनाव जीत भी नहीं सकते आप, ये भी याद रखना। आदमी ना किसी जाति का है, ना पाती का है, ना मजहब का है, आदमी तो अपने फायदे का है, जहां जिसको फायदा होता है वहां लोग वोट दे देते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, फायदा। शक्कर डाल दो, चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन नमक की बोरी रख दो, एक चींटी नहीं आएगी, जहां मिठास है वहां चींटियों के झुंड इकट्ठे होते हैं, जहां फायदा है वहां वोट मिलती है, जनता को फायदा होना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं, बोलते क्यों नहीं हो, नहीं बोलोगे तो राजनीति में चला जाऊंगा, बोलो यही ठीक है ना, यही ठीक है। राजनीति तुम करो, तुम बनो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तुम्हें ही मेरा आशीर्वाद। जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको ही मेरी व्यासगादी आशीर्वाद दे रही है, उनकी बुराइयां दूर हो, अच्छे इंसान बने, मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गा खाना बंद करें, एकदम शुद्ध शाकाहारी रहें, और इस भारत देश को भारत माता जैसे कहा जाता है, माता जैसी ही इसकी सेवा करे, ये भारत देश महान बने, ऐसा सब नेता काम करे। ओजस्वी वक्ता बनो, यशस्वी भी बनो, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप यशस्वी भी हो, और तपस्वी भी बनो, हर व्यक्ति को तपस्वी, ये महिलाओं को भी तपस्वी बनना चाहिए, यशस्वी महिला बनो। अरे तुम मर जाओ, दुनिया से चला जाए, तुम्हारा शरीर दफन हो जाए, फिर भी घर के लोग 50 साल तक तुम्हारे यश को याद करें कि मेरी माँ, मेरी सासू बहुत अच्छी थी। राजस्थान में मैं एक गांव में गया, तीन बहुएं आई, तीनों व्यासगादी पर रोने लगे, क्या हुआ, बोले मेरी सासू मर गई। ज्यादातर बहुएं सासू के मरने से खुश होती कि अब जंजाल खत्म हुआ, पर वो रो रही थी रो रही थी फूट फूट कर। मैंने कहा सासू मर गई, सासू के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं मरा, बोले प्रेम तो जिंदगी भर नहीं मरेगा, मां से भी ज्यादा, पिता से भी ज्यादा, भाई से भी ज्यादा, और पति से भी ज्यादा ख्याल करने वाली, मुझे निभाने वाली और मुझे सुख देने वाली मेरी सासू थी। ऐसी सासू, यशस्वी सासू बनो, यशस्वी गुरु बनो, और तपस्वी भी बनो, परिवार के लिए, शिष्यों के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, ग्राम के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ कष्ट सहना पड़े, कष्टों को सह लेना।
सबके कल्याण के लिए जो कष्ट सह लेता है वही तपस्वी होता है। याद रखना, परिवार बिखरने न पाए इसके लिए दुख भी सह लेना तो तुम तपस्वी महिला कहलाओगी। तपस्वी महिला साहिब बंदगी बोलो साहिब।